नमस्कार, मैं हूं शालिनी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम खेल दे दनादन में। टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को पारी और 141 रनों से शिकस्त दी है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ अब पहले टेस्ट मैच में रविचंद्रन अश्विन ने अपने प्रदर्शन से एक नया इतिहास रच दिया है। अश्विन ने पहली पारी में 5 खिलाड़ियों और दूसरी पारी में 7 कैरेबियन बल्लेबाजों को आउट किया। अश्विन ने मैच में 131 रन देकर 12 विकेट झटके हैं। इसी शानदार पारी के साथ अश्विन भारत वेस्टइंडीज टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें, भारत वेस्टइंडीज टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में पूर्व भारतीय ऑलराउंडर कपिल देव टॉप पर कायम है। उनके नाम 89 विकेट दर्ज हैं। इसी पारी में वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज मैकलम मार्शल दूसरे नंबर पर 76 विकेट लेकर अपनी जगह बनाए हुए हैं, जबकि तीसरे स्थान पर पूर्व भारतीय लेग स्पिनर अनिल कुंबले हैं, जिन्होंने 74 विकेट अपने नाम किए हैं। इसी लिस्ट में अश्विन ने भी अपनी जगह बना ली है। बात की जाए अश्विन के खेल की, तो विदेशी मैदान में किसी टेस्ट मैच में अश्विन का ये याद रखने वाला प्रदर्शन रहा है और विदेशी जमीन पर किसी भारतीय क्रिकेटर का ये तीसरा बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। इतना ही नहीं, अश्विन ने 8वीं बार टेस्ट मैच में 10 या उससे ज्यादा विकेट चटकाए हैं। वैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले पहले पायदान पर हैं। उन्होंने कुल 956 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह हैं, जिनके हिस्से तीनों फॉर्मेट को मिलाकर 711 विकेट हैं। इसी रेस में अश्विन इंटरनेशनल क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इसी के साथ खेल जगत की अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए प्रदेश तक के साथ।